वक्ता तय कर लें, अन्य विभागों से कोई है तो नहीं है, इस खुले सत्र को हम विसर्जित करते हैं। श्रीमान विधायक महोदय बस्सी, श्रीमान एसडीएम महोदय बस्सी, मैं कृष्ण कुमार शर्मा नरेगा लेखा सहायक पंचायत समिति पूंगा। श्रीमान जी, मेरा आपसे निवेदन है कि नरेगा योजना 2008 से संचालित है, जिसको संपूर्ण संविदा कर्मी इसको संचालित कर रहे हैं, और जो पिछला जो विधायक महोदय का कार्यकाल रहा उसमें आज तक इतना काम नहीं हुआ जितना एक वित्तीय वर्ष में इतना काम हुआ है। करोला काल में भी काफी हम कार्मिकों ने काफी मेहनत करके लोगों को काफी रोजगार दिया, और पूरी लगन से अब भी रोजगार देने में काफी संचालित कर रहे हैं, परंतु हमारे संघ द्वारा काफी हम अल्प मानदेय पर संविदा में कार्मिक कार्यरत हैं। संघ द्वारा काफी मांगे उठाई गई नियमितकरण की, लेकिन अभी तक हर सरकार कोड़ियां ही देती आई है। आज भी ही हम अल्प मानदेय पर कार्यरत हैं, काफी जनों का तो रिटायरमेंट भी करीब आ गया है, अभी भी यही है। अब श्रीमान जी से निवेदन है कि आप इस मुद्दे को श्री मुख्यमंत्री महोदय से उठाकर हमारा नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कराएं। आपसे हमको बहुत उम्मीद है, नरेगा सहायक संघ और नरेगा अदर क्रेडर के संघ आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद साहब। चला सकती मोटर साइकिल नहीं चला सकती और यहाँ आ नहीं सकती, तो उनको स्थानीय क्षेत्र पर जो है कुशल श्रमिक के रूप में वो काम करती है, तो उनको अगर 220 रुपये वहीं मिल जाते हैं 6-7-8 घंटे काम करते तो उसकी जेब में करीब करीब है ना 5-6 हज़ार रुपये महीने के आते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक उसके परिवार के पालन पोषण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमने नरेगा के अच्छे काम किए आपके, उसके लिए भी मैं आप सभी को जो नरेगा से रिलेटेड लोग हैं जो नरेगा का देखभाल कर रहे हैं संचालन कर रहे हैं, नरेगा सहायक है, हमारे ग्राम विकास अधिकारी है, हमारे बीडीओ साहब है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप बिल्कुल दमदारी से